छठ के पावन पर्व को लेकर अररिया सांसद सरफराज आलम ने घाट का निरीक्षण किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि घाट की साफ सफाई बहुत धीमी गति से चल रही है, जिसको लेकर उनमें थोड़ा नरम नगर परिषद के प्रति नाराजगी भी दिखाई दी और उनसे कहा कि जल्द से जल्द घाट की साफ सफाई और डेंजरस एरिया को बैरिकेटिंग कर दिया जाए। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष रितेश राय, कार्यपालक अभियंता देवेंद्र कुमार, वार्ड पार्षद अविनाश आनंद सहित कई अधिकारी शामिल थे। हुआ लगता है कि करेगा, नहीं अभी से देखने से धीमी गति में है, कर रहा है धीमी गति में। और मैं बात करता हूँ, अभी रितेश को भी कहता हूँ, प्रशासन को भी कहता हूँ, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये नहर डैनेज अगर हमको परमिशन दे देगा, मैं खूबसूरत घाट बनाऊंगा आने वाला दिन। एनओसी अगर देता, मैं झूठ मूठ नहीं बोलता हूँ, एनओसी अगर दे देता है। सांसद जी, जिस जगह पे आप खड़ा है वहाँ पे घाट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन इसका साफ सफाई या नगर पालिका के द्वारा किसी तरह रख रखाव नहीं हो रहा है और ये जाम है, इस पे क्या कहना आपका? देखिए ऐसा है, अभी देखा हूँ, नगर पालिका भी करेगा छत के हिसाब से अगर विकास करने के लिए अगर इजाज़त देता है। वो तो सिर्फ साल में छत करना है, उसकी ज़मीन भी नहीं चाहते, सिर्फ बनने का वो आदेश दे दे, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति